हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो डीए पेमेंट टर्म है उसको कैसे सेफ बनाया जाए। आप दोस्तों को अब जैसा जानते हैं कि ये सबसे रिस्कीएस्ट मोड होता है पेमेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है कि पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी। इस वीडियो के अंदर जो है हम यही डिस्कस करेंगे कि डीए पेमेंट टर्म है उसको सेफ कैसे बनाया जाए और जो कम से कम जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो यही सब चीज़ें, यही टिप्स हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मज़ीद अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि डीए पेमेंट जो टर्म है जो यूज़ हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, जो जिसको डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कहते हैं, तो ये जो सबसे है ये रिस्कीएस्ट मोड कहलाता है यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर। इसके अंदर दोस्तों ये रिस्कीएस्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है, मतलब आप उधार पे दे रहे हो। अगर आप एक्सपोर्टर हो, आप अपना जो प्रोडक्ट है बेच रहे हो वो उधार दे रहे हो, तो वो आपसे पीरियड ले रहा होता है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स हम शेयर कर रहे हैं कि तो अभी दोस्तों जब भी आप इस तरह के ट्रेड करो या आप डीए पे एग्रीमेंट करते हो तो आप कोशिश करो कि जो सप्लाई जो है, अब जो बायर है जो आपसे ख़रीद रहा है, तो आप कोशिश करो कि उसको कम जो कम से कम पीरियड हो, क्रेडिट जो पीरियड है उसको कम से कम पर ले आओ। जैसे 30 दिन तक, अगर जैसे 30 दिन फ़र्ज़ करें 30 दिन तक अगर आप ले रहे हो बिल ऑफ लेडिंग है 30 दिन तक, बीएल डेट जो होती है उसके 30 दिन के बाद वो आपको पेमेंट करेगा, तो आप कोशिश करो जो ट्रांजिट पीरियड हो आपके गुड्स का वहाँ पहुँचने का, तो वो 45 दिन हो। तो दोस्तों, जब तक आपका जो कार्गो है वहाँ पहुँचेगा तो आपका जो बायर है वो पेमेंट कर चुका होगा आपको। तो आप कोशिश किया करें कि जैसे यहाँ पर भी दिया होगा कि 30 दिन का पीरियड आप क्रेडिट पीरियड ऑफ क्रेडिट जो है हमने 30 दिन का सेट किया, और जो ट्रांजिट टाइम था वहाँ पहुँचने का टाइम था तो वो था 45 दिन। जैसे यहाँ से वेसल जो मूव हुआ वहाँ पहुँचने में इनको 45 दिन लगेंगे और इस दौरान आपकी पेमेंट भी आ जाएगी। तो ये क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों, अब यहाँ पे वहाँ माल पहुँचने से पहले ही आपको पैसे मिल जाते हैं ना। अब यहाँ ये क्यों किया जाता है, ये उन बायर्स के साथ किया जाता है, जैसे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आपने उन जो बायर आपसे ख़रीद रहा है आपने उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो पेमेंट कर सकता है, नहीं उसकी हिस्ट्री वगैरह आपने नहीं चेक की, आपने देखा नहीं है सही तरीके से, आप नहीं जानते बायर को अच्छे तरीके से, आप नहीं जानते, फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे हो, तो ये उस केस में ये किया जाता है, क्योंकि आप नहीं जानते जिस बायर को, आपने उनके साथ काम नहीं किया, आपने सुना नहीं है, कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है डीए के अंदर, तो उसके साथ काम करना कि पता नहीं वो पेमेंट कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा। आपने यहाँ से गुड्स जो है मूव कर दी, अब उसने वहाँ से रिसीव भी कर ली, सो अब वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आपको एक्सपोर्टर के लिए वो इनवॉइस वैल्यू जो है अपने गुड्स की हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले तो यही जो यहाँ पे हमने कहा गया है कि जब सेलेक्ट करें यहाँ पर कोशिश करें कि उसको कम पीरियड पे ले आएँ, पीरियड ऑफ क्रेडिट कम से कम रखें और ट्रांजिट टाइम जो हो वो उस पीरियड से ज़्यादा हो, कोशिश कर सकते हैं। अब हाउ कैन सप्लायर कलेक्ट इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स शिप्ड इन सच सिचुएशन, तो अब क्या करें कैसे करें, तो अब यहाँ पर दोस्तों कुछ टिप्स हैं यहाँ पर। As you aware, once after shipping goods, you need to release original bill of lading from carrier and required to be sent to your overseas buyer, without which the buyer cannot take delivery of goods. Shipper can also can arrange CVA bill procedure or bill surrender procedure. Example. अब दोस्तों यहाँ पर भी वही किया गया है कि दोस्तों कि अगर आप वहाँ पहुँच गए तब तक आप original BL आप carrier मतलब shipping line से नहीं उठाते, जब तक आप नहीं उठाते, अगर अब आपका जो कार्गो है भले वहाँ पोर्ट पर पहुँच भी गया है तो वो नहीं क्लियर करवा सकता। तो यहाँ पर दो तरीके दोस्तों बेसिकली यहाँ पर बताए गए हैं, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, दो तरीके यहाँ से बताए गए हैं। या तो आप जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलती वहाँ से, पेमेंट नहीं आ जाती, जब तक आपको वहाँ से पेमेंट नहीं मिल जाती आप बीएल ना उठाओ कैरियर से, या दूसरा तरीका तो ये है कि आप बीएल तो उठा लो लेकिन उसको आप सेंड ना करो जब तक आपको पेमेंट नहीं मिल जाती।